हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 अप्रैल और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, रामसर साइट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रामसर साइट, आप न्यूज में बार बार ये वर्ड सुनते होंगे। रामसर साइट को डिस्कस करने से पहले अगर हमें रामसर साइट्स को डिस्कस करना है या रामसर कन्वेंशन के बारे में नॉलेज गेन करनी है, तो उससे पहले, उसको समझने से पहले हमारे पास में वेटलैंड क्या होता है वो समझना जरूरी होता है। वेटलैंड एक ऐसा एरिया, एक ऐसी लैंड जो टेरेस्ट्रियल एंड इको एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में एक ट्रांजिशनल लैंड का काम करती है। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लैंड जो है वो वाटर से कवर होती है, वो होता है वेटलैंड। वेटलैंड के कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे कोस्टल वेटलैंड्स, मार्सेज, स्वैम्प, एस्टुरीज। एस्टुरीज का होती है वो एरिया जहाँ पर जो नदी है वो सी में आकर के मिलती है, तो जहाँ पर लैंड भी होती है और हल्का सा पानी भी होता है, मतलब डेल्टा वाला रीजन, वो होता है वेटलैंड्स। समझ में आ गया, वेटलैंड्स को हमने समझा। अब समय के साथ में देखो, जो वेटलैंड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितनी फिश होती है उसमें मोर देन 1/3 यहाँ पर हार्वेस्टिंग की जाती है। फिश न्यूट्रिशन से काफ़ी, एक तरीके से काफ़ी न्यूट्रिशन यहाँ पाया जाता है, तो इनको प्रिजर्व करने की, इनको प्रोटेक्ट करने की समय के साथ में आवश्यकता पड़ी। इसी के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर इन वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए कन्वेंशन होती है, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कन्वेंशन है वो यूनेस्को के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। अब 1971 में कन्वेंशन हुई और रामसर नामक जगह पर हुई, इसीलिए ये जो वेटलैंड साइट्स हैं इनको रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि वेटलैंड्स क्या होते हैं और फिर रामसर साइट्स उसको क्यों बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इनके बेसिक फैक्ट्स की, तो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रामसर साइट को देखें, तो हमारे इंडिया में पहले कम थी लेकिन वर्तमान में 42 रामसर साइट्स हैं। देखो, इंडिया रामसर कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, ये हमें पता होना चाहिए। 1982 में इंडिया ने इस रामसर कन्वेंशन को साइन किया था और इसका एक पार्टी मेंबर बन गया था। अगर पूरे इंडिया में बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा 8 रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं, और सबसे बड़ी अगर रामसर कन्वेंशन साइट की अगर हम इंडिया में बात करें तो सुंदरवन है, और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड जो सबसे छोटी है। देखो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप UPSC तो दे ही रहे हो, लेकिन जब अगर आपके स्टेट का PCS अगर आप दोगे तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की रामसर साइट आपके क्लियर होनी चाहिए। ये जो रामसर कन्वेंशन होती है ना, इसके तहत जो भी रामसर साइट्स, अब आप बोलोगे कि किसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है, क्या पूरे इंडिया में सिर्फ इतनी साइट है? पूरे वर्ल्ड में 2400 साइट्स को रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है, क्या इतनी साइट्स है? नहीं, कुछ क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया के तहत किसी भी एरिया को, जो कोई भी एरिया उन क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो उसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल, तीनों लेवल पर कोलेब्रेशन होकर के उस साइट को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब ये जो रामसर साइट हमने वर्ड देखा, इससे एक वर्ड और जुड़ा हुआ है जिसका नाम है मोंट्रियक्स रिकॉर्ड। अब मोंट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में उन रामसर साइट्स का नाम डाला जाता है जिन रामसर साइट्स के इकोलॉजिकल करेक्टर में, मतलब जैसे पहले थी वो रामसर साइट, उनके इकोलॉजिकल करेक्टर में, मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट में उनका जो करेक्टर था, किस तरीके का होता है, स्वैम्पी था, वहाँ पर सॉल्टी वाटर था या फिर बिल्कुल क्लीन वाटर था, उनके इकोलॉजिकल करेक्टर में अगर कुछ चेंज होने लग जाता है समय के साथ में, अब वो चेंज किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, हो सकता है, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो। तो इस तरीके से जब किसी रामसर साइट में चेंज होने लगता है तो उस रामसर साइट का नाम डाल दिया जाता है मोंट्रियक्स रिकॉर्ड में, और फिर उस रामसर साइट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मोंट्रियक्स रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मोंट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है। अब 2 फरवरी को ये
जो कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन वो साइन हुई थी, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 2021 में 2 फरवरी 2021 में इस कन्वेंशन को 50 साल कंप्लीट हो गए, इसीलिए हमारे इंडिया में पहला ऐसा सेंटर खोला गया है जो वेटलैंड के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए काम करेगा। ये सेंटर चेन्नई में हमारे इंडिया में खोला गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये जो सेंटर है वो आएगा। तो अगर हम पूरे देखो इंडिया की हमने बात कर ली, सबसे बड़ी साइट देख ली रामसर साइट, सबसे छोटी देख ली, अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें, पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी साइट जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग पेनिनसुला है। ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग पेनिनसुला जिसको 1974 में डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट रामसर साइट के रूप में। तो ये हमने रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा। हम एक बार इंडिया की जो रामसर लिस्ट है ये आपके जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डाल दी जाएगी, ये रामसर जो साइट्स की लिस्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, स्टेट PCS अगर आप देना चाहते हो तो वो सारी वेटलैंड्स आपके क्लियर होनी चाहिए। स्पेशली जो 10 न्यू रामसर साइट्स इंक्लूड की गई हैं उनको आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब हम दहिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, CBI कोर्ट डिस्चार्जेस 3 पुलिस ऑफिसर्स इन इसरत एनकाउंटर केस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2004 में ये बोला गया इसरत जहां और उनके कुछ साथी उनको मार दिया गया अहमदाबाद में पुलिस के द्वारा, और ये बोला गया कि वो वहां के जो प्रेजेंट CM थे उस समय के जो CM जो वर्तमान में हमारे PM है नरेंद्र मोदी, उनको मारने के लिए उनके ऊपर अटैक करने के लिए ये लोग गुजरात में प्रवेश किए थे। CBI वर्ड ये आया है, इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, उस समय 1941 के समय में हम वॉर के समय में क्या करप्शन हो रहा है उन सब का पता लगाने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को एस्टेब्लिश किया गया था। अब CBI को जब एस्टेब्लिश किया गया तो उसके बाद में जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तब भी इसको रेगुलर किया गया। ये जो CBI है वो अपनी पावर दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से अपनी पावर्स को गेन करती है। जब 1941 में CBI को एस्टेब्लिश किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। अब 1963 के पास में आते आते ये जो CBI है, मतलब पहले जिस नाम से था वह 1963 में इसको CBI इसका नाम चेंज किया गया, और बाद में ये करप्शन से रिलेटेड लेकर के ब्राइबरी रिलेटेड, इसके अलावा टेररिज्म वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी देखने लग गई। हमारे इंडिया की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में काम करती है CBI, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस के अंडर आती है। नेक्स्ट न्यूज, पाकिस्तान अलाउज इम्पोर्ट ऑफ कॉटन एंड सुगर फ्रॉम इंडिया। कॉन्टेक्स्ट क्या है, लास्ट मंथ 25 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से एक डिक्लेरेशन होती है, उसमें बोला जाता है कि 2003 के समय का जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसी को फॉलो किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा, और जो सीज फायर है उसको माना जाएगा और इस चीज़ के ऊपर एग्री हुई। अब पाकिस्तान की ऊपर से तरफ से कुछ बात सामने आई है, उन्होंने बोला है कि बहुत दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी रुका हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान ने बोला है कि चीनी, सुगर और कॉटन पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट की जाएगी पाकिस्तान को, ठीक है। तो क्योंकि जो सुगर का जो प्राइस है वो अन्य एरिया में पाकिस्तान में कंपैरिजन कर लिया जाए या फिर अन्य किसी रीजन में कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में जो प्राइसेस ऑफ सुगर वो काफ़ी कम है, इसीलिए डिसाइड किया गया है कि इंडिया से सुगर ट्रेड किया जाएगा, उसको दोबारा से रीओपन करने की बात की गई है। अच्छी बात है, दो हमारे पड़ोसी देश, एक तरफ चाइना के साथ में भी डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर हुआ है, प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हुई है, और इस साइड पाकिस्तान के साथ में भी प्रॉब्लम्स कम हो रही है। आपके लिए मेन बात आपको क्वेश्चन में बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है, और कौन सी हमारी आर्मी है जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती है उसको सेव करती है, वहाँ पर सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और
चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर लगती है उसका क्या नाम है, और कौन सी हमारी आर्मी का कौन सा पार्ट वहाँ पर उस बॉर्डर को सेव करने की कोशिश करता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं कि जो हम वीडियो की शुरुआत में जो फर्स्ट न्यूज जो भी हम डिस्कस करते हैं, आपको कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करवाने हैं जिनके बारे में आपको चाहिए कि बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो एक एक करके हम हर पॉइंट को स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, एडिटोरियल पेज से कुछ न्यूज है, सॉरी पहले हम देखो फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ और है, गवर्नमेंट शार्पली कट्स रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो इन्फ्लेशन रेट हमारे इंडिया में काफ़ी बढ़ गई है और ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इंडिया ने क्या किया है कि जो हमारे स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर जितनी भी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही थी उसको अब काट लिया गया, कम कर दिया गया है। जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर इंडिया जो गवर्नमेंट है हमारी वो रिटर्न दे रही थी 7.6% का, उसको काट करके 6.9% का कर दिया गया। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसमें 7.4% का इंटरेस्ट दे रही थी, अब 6.5% का इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के तहत गर्ल चाइल्ड जो होती है उसमें रुपए जमा करवाए जाते हैं, उसके नाम से अकाउंट खोला जाता है और ये जो पैसा है ये नॉन टैक्स, मतलब इसके ऊपर पैसा टैक्स नहीं लगता है, इस पैसे का यूज किया जा सकता है गर्ल चाइल्ड की स्टडी में, उसकी मैरिज में, उसके फ्यूचर को संवारने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर के आई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका इनिशिएटिव था उनके ऊपर फोकस कर सके। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, नॉर्म्स टू कैरी डेंजरस गुड्स टू बी रिव्यूड। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसा कि आर्टिकल में बोला गया है, टाइटल में बताया गया है कि जो डेंजरस गुड्स रेलवे के द्वारा किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाते हैं तो उनमें जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, पिछले साल 6-7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के पास में एक कंपनी LG पॉलीमर लिमिटेड, वहाँ पर एक गैस लीक हो गई थी और उसकी वजह से 12 पीपल डेथ हो गए थे और हंड्रेड्स ऑफ अदर्स को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी थी। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रेलवे बोर्ड को एक रिटन चीज एडवाइजरी दी है कि आप अपने ऑल जोनल रेलवेज को इस एडवाइजरी को भेजिए और ये बोलिए कि जो हाई पावर्ड कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उनको लागू किया जाए। देखो पिछले साल 2020 में जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश है उसने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें सेंट्रल एजेंसी जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन सबको शामिल करके हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई और ये पूछा गया कि इंसिडेंट क्यों हुआ था और आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। तो ये जो रिकमेंडेशन है उसमें हाई पावर्ड कमेटी ने बोला कि जो हजार्डस केमिकल्स हैं उनको जनरल वे में आप जनरल वे में उनको डील नहीं कर सकते, स्पेशली पर्टिकुलर वे में उनको डील करने की आवश्यकता है और किसी भी देखो केमिकल डिजास्टर से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उनको हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोडल एजेंसी होती है। इसीलिए जो रिकमेंडेशन दी गई हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा उसी उनको सेंटर के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एज ए एडवाइजरी ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं क्राइसिस अलर्ट सिस्टम के लिए कि सारे जो भी डिपार्टमेंट हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करें ताकि भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको सोल्व करना ईजीली हो। नेक्स्ट न्यूज, टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट डबल वोटिंग केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ बात बोली है कि जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर आपको स्पेशल अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। जो ECI है उनको एब्सेंटी शिफ्टेड और डेड जो वोटर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। हर पोलिंग बूथ के ऊपर जो भी एब्सेंटी हैं, जो भी शिफ्टेड वोटर्स हैं जिनकी भी डेथ हो गई है उनके बारे में सारी जानकारी अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो और जो वोटर्स हैं जो एब्सेंटी और शिफ्टेड वोटर्स हैं उनकी डिक्लेरेशन की जाए हर बूथ के ऊपर। ये RPA एक्ट
1951 के सेक्शन 31 में ये बात बताई गई है। इससे क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस होगी कि ये लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, और उनके नाम पर अगर कोई वोट डालने की कोशिश करती है, जो फेक वोटिंग होती है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि जो डेमोक्रेसी को लाने के लिए जो वोटिंग की जा रही है उसका श्योर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, कीप वैक्सीन वेस्टेज बिलो 1%। हमारी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उन्होंने ये बोला है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका जो वेस्टेज है, मतलब कम से कम वेस्टेज होना चाहिए, जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके तहत। अभी तो देखो हमारे ड्रग रेगुलेटर ने 9 मंथ्स तक अवेलेबल कर दिया है कि 9 मंथ्स तक मैन्युफैक्चरिंग डेट से 9 मंथ्स तक उसको लगाया जा सकता है। तो जैसे भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उस आधार पर उसको यूज किया जाना है, जो वेस्टेज है उसको कम से कम करना है, क्योंकि हमारा इंडिया इसको सहन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट न्यूज, पैनल सबमिट रिपोर्ट ऑन फार्म लॉज टू एससी। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था कि जो भी फार्म लॉज को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ये पैनल अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे। अब इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है इस रिपोर्ट में अभी ये सामने नहीं आया है। तो इस केस की जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तब इस रिपोर्ट को रिवील कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, एट डाई इन ड्राई विहार आफ्टर कंज्यूमिंग स्पूरियस लिक्विड। देखो इम्पोर्टेंट क्या है इस आर्टिकल में, कि 2016 में जो बिहार है उसमें एक एक्ट के थ्रू वहाँ पर लिकर को बैन कर दिया गया था, लेकिन अब भी इलीगल तरीके से वहाँ पर लिकर मिलती है। तो हमारे लिए देखो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि इलीगल तरीके से जो खरीद फरोख्त होती है वो बंद हो जाती है। तो कोई भी रूल, कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में काम होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक एक पॉजिटिव जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो कभी भी सामने नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूज, मिलिट्री फार्म शट डाउन आफ्टर 132 ईयर्स। क्या बोला गया था इस आर्टिकल में, बोला गया है कि सबसे पहले 1889 में इलाहाबाद में फर्स्ट मिलिट्री फार्म को रेज किया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी लेट 1990s में लेह और कारगिल में इस तरीके के फार्म एस्टेब्लिश किए गए, और इसमें 130 फार्म थे पूरे इंडिया में, जिसमें 30,000 से ज़्यादा कैटल्स को फ्लोरिश किया गया था। 3.5 करोड़ लीटर ऑफ मिल्क एक सेंचुरी के तहत इन फार्म से आया और मिलिट्री ने इसका कंज्यूम किया। अब इनको हटा दिया गया है। 2012 में जो कमेटी थी क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि इसको बंद कर दिया जाए। 2016 में भी लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकटकर कमेटी ने भी ये बोला था कि ये जो भी चीज़ें हैं आर्म्ड फोर्सेज को जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको रिबैलेंस करने की आवश्यकता है, और इन्हेंस कॉम्बैट कैपेसिटी, इसके लिए ये जो यहाँ पर जो खर्चा लगता है इन फार्म्स को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बहुत सारी कमिटीज़ ने पास्ट में रिकमेंडेशन ऐसी दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 132 साल से जो सर्विस दी जा रही थी मिलिट्री फार्म्स के द्वारा, अब उनको फॉर्मल क्लोजिंग सेरेमनी उनकी कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, जो बाइडेन सेट टू अनाउंस $2 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि काफ़ी पैसा खर्च किया जाएगा US में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइजिंग करने के लिए, जैसे रोड और ब्रिजेज को मॉडर्नाइजिंग करने के लिए $6 to $1 billion खर्च किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेज, रैपिड बस ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रैक, कोचेज, इन सब को भी मॉडर्नाइजिंग करने की आवश्यकता है। पैसेंजर एंड फ्राइट रेल सर्विसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस, इन सब के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। और ड्रिंकिंग वाटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी पैसा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा क्लीन पावर को अवेल करने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च करने वाला है जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो। इसके अलावा पेंडेमिक के लिए जो प्रिपेयरनेस है, जो इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, बिजनेस पेज से है, वर्ल्ड बैंक ने एक बात बोली है,
या देखिए इंडिया जीडीपी टू ग्रो 7.5% टू 12.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये माना जा रहा है कि वो काफ़ी ग्रो होगी। जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है, वैक्सीन को रोल आउट स्टार्ट हो चुका है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो इंटेंसिव है वो दिए जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस साउथ एशिया वैक्सीन रिपोर्ट, इसके तहत ये बोला जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.5% से 12.5% तक इस रेंज में रहने की आवश्यक, मतलब स्टेबलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट रिटेन्स 4% इन्फ्लेशन टारगेट फॉर आरबीआई रेट पैनल फॉर 2021 to 2026। 2021 से 2026 तक आरबीआई का जो रेट पैनल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसने डिस्कस किया है कि हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको 4% तक स्टेब्लिश किया जाएगा, प्लस माइनस 2% का जो एक बैंड है उसमें इन्फ्लेशन रेट को फिक्स करने की बात की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की जाए तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के द्वारा और 3 आरबीआई के मेंबर इसमें होते हैं। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका हेड होता है और जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।